हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का हिंदी, और कविता जो है यह 10वां पाठ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीजाक्षर किसकी कृति है? डीजाक्षर किसकी कृति है? आपका ऑप्शन है कृष्णा सोबती, अर्चना वर्मा, अनामिका, स्नेहलता। इसका सही आंसर है सी, अनामिका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध, कहानी। इसका सही आंसर है बी, काव्य संकलन। तीसरा क्वेश्चन है, अनुष्टुप किसकी कृति है? विवेकी राय, अमरकांत, निरुपमा सेवती, अनामिका। इसका सही आंसर है डी, अनामिका। चौथा क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर है चौथा क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? आपका ऑप्शन है स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। तो आपका सही आंसर है बी, बाल मनोविज्ञान। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की, रेनर मारिया रिल्के की, अनामिका की। तो आपका सही आंसर है डी, अनामिका की। छठा नंबर क्वेश्चन है, अनामिका किस काल की कवित्री है? रीतिकाल, भक्तिकाल, समकालीन, आदिकाल। तो आपका सही आंसर है सी, समकालीन। सातवां नंबर क्वेश्चन है, चौखटे में बेटे की क्या नहीं अटता है? क, ख, ग, घ। तो इसका सही आंसर है ए, क। आठवां नंबर क्वेश्चन है, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? ख पर, ग पर, घ पर, अंघ पर। तो आपका सही आंसर है डी, अंघ पर। नौवां नंबर क्वेश्चन है, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? क, ख, अंघ, ञ। तो आपका सही आंसर है ए, क। दसवां नंबर क्वेश्चन है, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? कवित्री, अबोध बालक, ज्ञानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी, अबोध बालक। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बालक अंग के ड को क्या समझता है? माँ, बालक, कवि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, माँ। 12 नंबर का क्वेश्चन, कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है? भाई बहन, माँ बेटा, पिता पुत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, माँ बेटा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस यानी खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? माँ की, पिता की, बेटे की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, बेटे की। 14 नंबर क्वेश्चन है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? घड़ी, घमंड, घंटी, घड़ा। तो आपका सही आंसर है डी, घड़ा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया?
कहती है औरतें, गलत पते की चिट्ठी, विजाक्षर, अनुष्टुप। इसका सही आंसर है ए, कहती है औरतें। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है मेमोरेबल पोएट्री, पोस्ट एलियट पोएट्री, ट्रूथ पोएट्री, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ए, मेमोरियल पोएट्री। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विफलता पर छलक पड़ते हैं, आपका ऑप्शन है आंसू, क, पानी, ख। इसका सही आंसर है ए, आंसू। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ऑप्शन है सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, विफलता पर छलके आंसू, सफलता पर उमड़ा उत्साह। इसका सही आंसर है सी, विफलता पर छलके आंसू। 21 नंबर का क्वेश्चन है, अनामिका का जन्म कब हुआ? यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 7 अप्रैल 1959 को, 17 मई 1960 को, 7 अगस्त 1961 को, 17 सितंबर 1962 को। इसका सही आंसर है सी, 7 अगस्त 1961 को। 22 नंबर क्वेश्चन है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, सोनपुर बिहार, धर्मपुर बिहार। इसका सही आंसर है बी, मुजफ्फरपुर बिहार। 23 नंबर का क्वेश्चन है, अनामिका के पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर, रामानंद तिवारी, बिरजानंद माथुर, दामोदर अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ए, श्यामनंदन किशोर। 24 नंबर क्वेश्चन है, खालिस शब्द है ग्रीक, फारसी, अरबी, देवनागरी। तो इसका सही आंसर है सी, अरबी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंग वर्ण है संयुक्त वर्ण, अंतस्थ वर्ण, द्विगुण वर्ण, नासिक्य वर्ण। इसका सही आंसर है डी, नासिक्य वर्ण। 26 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी, देवनागरी, खरोष्ट, ब्राह्मी। इसका सही आंसर है बी, देवनागरी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है? खरगोश, खाना, खत्म, खोलना। तो इसका सही आंसर है ए, खरगोश। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? अंग, ढ, अंग, ड, न। इसका सही आंसर है ए, अंग। 29 नंबर क्वेश्चन है, खालिस का अर्थ है इच्छा, बेचैनी, रुकना, वैर। तो इसका सही आंसर है वे बैर होगा, डी ऑप्शन आपका सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक है अंत्याक्षर, प्रलय, औरत, अवरत, मुस्कान। इसका सही आंसर है ए, अंत्याक्षर।
31 नंबर का क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? यह 2019 को में क्वेश्चन पूछा गया है। क ख ग घ, इसका सही आंसर है बी ख। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।